हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना, द केमिस्ट्री एक्सपर्ट ऑफ डीएसए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर में मैटर इन आवर सराउंडिंग स्टार्ट किया था बच्चों, जहां पर हमने मतलब समझा था व्हाट इज मैटर एंड मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। तो बच्चों आपने होपफुली होमवर्क कंप्लीट किया होगा, मतलब पॉइंट्स नोट डाउन किए होंगे। तो आज हम इसके आगे जाएंगे, हम मैटर के स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, या फिर हमने जो मैटर को फिजिकल नेचर के बेसिस में क्लासिफाई किया था, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड, देन हम पढ़ेंगे लिक्विड एंड फाइनली हम पढ़ने वाले हैं बच्चों आज के लेक्चर में अबाउट गैस। सो सबसे पहला फर्स्ट वन दैट इज सॉलिड। व्हाट आर सॉलिड्स बच्चों? सबसे पहले जो भी टर्म हम पढ़ रहे हैं ये सभी सबसे पहले तो मैटर है। आप लोग छोटे क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अब सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज सॉलिड या सॉलिड होते क्या है। सबसे पहला जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था दैट मैटर को हम फिजिकल स्टेट में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब उसको दिखने में कैसा है। सबसे पहले अगर हम किसी सब्सटेंस को देखते हैं तभी हम डिसाइड कर लेते हैं कि वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। आप देखकर ही बता सकते हो कोई भी सब्सटेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट आर सॉलिड। तो यहां पर सॉलिड बोलते बराबर हमारे आंखों के सामने एक इमेज बन रही है, लगभग जस्ट इमेजिनेट कि फुटबॉल है ये। तो आप सभी ने फुटबॉल या कोई भी बॉल आपने खेला तो जरूर होगा, है ना बच्चों। तो व्हाट इज दिस सॉलिड। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा सॉलिड्स आर द मैटर विच हैव डेफिनेट शेप। तो जितने भी मैटर हमारे पास प्रेजेंट है उनमें से ऐसे मैटर जिनका शेप फिक्स होता है, ये पेन, आपके हाथ में पेन है, आप नोटबुक में राइट डाउन कर रहे हो पॉइंट्स, आप जहां बैठे हो बेड पर बैठे होगे या चेयर पे बैठे होगे, टेबल यूज कर रहे होगे, वो सब क्या है बच्चों? ये सब हमारा सॉलिड है। तो इसका मतलब है फिक्स शेप है। सबसे पहला दे आर हैविंग डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। बच्चों फिक्स्ड वॉल्यूम, अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? रिमेंबर व्हाट इज मीन बाय वॉल्यूम। मैं आपको वॉल्यूम के बारे में दो वर्ड बताना चाहता हूं। आपने वॉल्यूम टर्म मैथ्स में छोटी क्लास से पढ़ा है। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है, दो मतलब होते हैं वॉल्यूम के। अगर जिस सब्सटेंस का आप वॉल्यूम निकाल रहे हो, हमेशा वॉल्यूम थ्री डायमेंशनल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का होता है। क्यूब का आपने वॉल्यूम निकाला, क्यूबॉइड का आपने वॉल्यूम निकाला, कभी स्क्वायर रेक्टेंगल का या ट्रायंगल का वॉल्यूम निकाला बच्चों आपने? बिल्कुल नहीं निकाला। मतलब 2D ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम नहीं होता। तो वॉल्यूम का मतलब क्या है? तो वॉल्यूम अगर खाली कंटेनर है, जैसे पानी की वाटर बॉटल मतलब भी पानी की बॉटल या पानी की बॉटल, तो उसमें अगर आपको पानी भरना है तो 1 लीटर की बॉटल नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। उससे हमें क्या पता चलता है कि मेरे पास 1 लीटर की वाटर बॉटल है। इसका मतलब मेरे पास जो वाटर बॉटल है उसकी कैपेसिटी 1 लीटर है। तो वॉल्यूम से हमें पता चलता है कैपेसिटी ऑफ दैट कंटेनर, कैपेसिटी ऑफ दैट कंटेनर, कि जो भी कंटेनर का अगर मैं वॉल्यूम लूंगा तो उसकी कैपेसिटी क्या है, उसमें मैं कितना सामान रख सकता हूं। लेकिन बच्चों ये कंडीशन है जब वो सब्सटेंस हॉलो रहेगा, खाली रहेगा, वाटर बॉटल खाली होती है। लेकिन अगर मैंने वो वाटर बॉटल पूरी प्लास्टिक की पैक कर दी, पैक बॉटल है, मतलब उसमें कुछ भी भर नहीं सकते, वो सॉलिड, जिसको हम सॉलिड सिलेंडर आप बोलते थे, सॉलिड कोन, सॉलिड स्फीयर, तो पूरा पैक है, तब फिर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? तो वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दैट ऑब्जेक्ट। मतलब वॉल्यूम का मतलब होगा यहां पर स्पेस ऑक्यूपाइड। क्या मतलब होगा बच्चों? कि उस ऑब्जेक्ट को कितना स्पेस लगता है, उस ऑब्जेक्ट को कितना स्पेस रहने के लिए लगता है। तो हमने दो पॉइंट देखे वॉल्यूम के। वापस आ जाते हैं हम लोग सॉलिड पे। तो सॉलिड का मतलब सबसे पहले देखते बराबर हमें सॉलिड कैसे पता चलेगा, इसका शेप फिक्स है। देखो बच्चों इसका शेप फिक्स कैसे है, अगर मैं इस पेन को अपने जेब में रख लूं तो ये पेन का पेन ही रहेगा, पेन का पेंसिल नहीं बनेगा। अगर ये पेन का पेंसिल बन जाता तो कमाल हो जाता ना। हमको हम बचपन में एक पेंसिल ले लेते, उसको थोड़ा बड़ा होने के बाद जादू की छड़ी घुमाते और पेन बना देते, और फिर और बड़े होते तो दुश्मन मिल गया तो तलवार बना देते। लेकिन पॉसिबल नहीं है। मतलब सॉलिड का शेप कभी चेंज नहीं होता बच्चों, और उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। मतलब अगर मैंने इस पेन का वॉल्यूम बोला है कि ये 1 लीटर का पेन है, सॉलिड को हम लीटर्स में नहीं काउंट करते,
वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है, जो कि आप मैथ्स में पढ़ चुके हो। तो वॉल्यूम के टर्म में अगर हम बात करेंगे, सपोज ये 10 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, तो इसका वॉल्यूम मेरे जेब में जाने के बाद कम या ज्यादा नहीं होने वाला। बात समझ में आ रही है? पहला पॉइंट आपको होपफुली समझ में आ गया होगा, दैट इज सॉलिड्स हैव, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम देखते बराबर सॉलिड लिक्विड गैस में डिस्टिंग्विश करना चाहे तो सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बाहर से बता दिया, लेकिन अगर हम सॉलिड के अंदर जाएंगे तो सॉलिड के अंदर क्या होगा, तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, तो ये स्पेस कम है कि ज्यादा है, तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस रहेगा, रिमेंबर सॉलिड्स के पार्टिकल्स के जो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम। याद रखेंगे बच्चों कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस मिनिमम रहेगा, मिनिमम का मतलब सबसे कम रहेगा, सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में उससे ज्यादा और गैस में सबसे ज्यादा रहेगा, वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद ये बात समझ में आ गई। सेकेंडली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो पार्टिकल्स हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा मैटर की, तो जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबके बीच में होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। बच्चों क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या है मैक्सिमम है, यहां पर यह बात ध्यान में रखने वाली है। पहला फिक्स शेप फिक्स वॉल्यूम, दूसरा मिनिमम स्पेस, तीसरा और फोर्थ पॉइंट हम बोल सकते हैं मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट वन मैं बोलूंगा कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब देखो हमने ये भी बोला था कि मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, तो क्या सॉलिड के पार्टिकल्स इधर उधर घूम सकते हैं? तो देखो बच्चों सॉलिड के पार्टिकल्स ज्यादा घूम नहीं सकते, वो अपने जगह पर ही रहते हैं, अपनी जगह पर रहते हैं और अपनी जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो मूवमेंट क्या होती है, मिनिमम मूवमेंट होती है, मतलब पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या रहेगी, मिनिमम मूवमेंट। अब आपको पता है बच्चों मूवमेंट के वजह से हमारे ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी आती है, तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि अगर मूवमेंट मिनिमम है तो एनर्जी भी कैसी होगी। बच्चों मुझे बताओ एनर्जी कैसी होगी, एनर्जी भी मिनिमम होगी बच्चों, सबसे लो रहेगी, मतलब सॉलिड्स के पार्टिकल्स के पास में सबसे कम एनर्जी रहेगी। अब मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा कैसा होता है वो। नेक्स्ट वन है लीस्ट कॉम्प्रेसिबल। लीस्ट कॉम्प्रेसिबल का मतलब, अब इस पेन को मैंने पकड़ लिया और मैं इसको दबा रहा हूं, क्या मैं इसको दबा सकता हूं? तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, इसको हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, मतलब लगभग जितने भी सॉलिड हमारे पास पास है वो इनकॉम्प्रेसिबल है, दे आर इनकॉम्प्रेसिबल, मतलब अगर हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो वो कॉम्प्रेस नहीं होता, लेकिन लिक्विड और गैसेस कॉम्प्रेस हो सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉम्प्रेस क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं है बच्चों, मतलब अगर सॉलिड के पार्टिकल्स की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स को मैं यहाँ डायग्रामेटिकली बनाने की कोशिश करता हूँ, तो इस तरीके से अगर कोई सॉलिड अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं आता है, इनके बीच में स्पेस नहीं रहता, इस वजह से इनको अब मैं कॉम्प्रेस करने जाऊंगा तो कॉम्प्रेस नहीं होगा। लास्ट वन है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब बच्चों रेट, डिफ्यूजन का मतलब होता है स्प्रेड होना। मैंने ये एग्जांपल आपको कंटिन्यूअसली मूविंग में दिया था, जैसे अगर मैं डीओ लगा के आ गया क्लास के अंदर स्टाइल में, है ना, तो पूरे क्लास के बच्चे, अरे सर आज तो पूरे तशर में आ गए डीओ वीओ लगा के, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के, तो पूरे क्लास में स्प्रेड हो जाएगा, लेकिन सॉलिड नहीं होगा। मेरा मैं शर्ट पहन के आया तो मेरे शर्ट के टुकड़े स्प्रेड हो रहे क्लास में, आप सबको मिल रहा है थोड़ा थोड़ा मेरा शर्ट, नहीं मिलेगा बच्चों, क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स ज्यादा मूव नहीं करते। लेकिन रिमेंबर सॉलिड के पार्टिकल रेट ऑफ डिफ्यूजन लेस, मूवमेंट तो मिनिमम है, रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब स्प्रेड नहीं हो पाते इजीली, मतलब अगर मैंने नमक को पानी में डाल दिया तो नमक पानी में अगर मैंने सिर्फ चम्मच से डाल दिया, उसको मिक्स नहीं किया, तो पानी में मिक्स होने के लिए उसे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। उसी की कंपटीशन में अगर मैंने इंक डाल दी होती, कलर इंक डाल दिया होता पानी में, तो जल्दी से स्प्रेड हो जाता, मतलब लिक्विड सॉलिड से ज्यादा डिफ्यूज हो सकते हैं, कहने का मतलब। तो यहाँ पर सॉलिड के पॉइंट्स क्लियर हुए, अब इसको हम डायग्रामेटिक वे से समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों सॉलिड का शेप फिक्स होता है, तो आपको आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं सॉलिड के, उन सभी का शेप फिक्स है, उनका वॉल्यूम भी फिक्स है। अब दूसरा पॉइंट जो हमने देखा कि जो सॉलिड के पार्टिकल, व्हाट वाज द सेकंड, मतलब जो हमने नेक्स्ट, बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम, तो आप देख सकते हो कि ये जो पार्टिकल्स है इनके बीच में स्पेस मिनिमम है। थर्ड वन पार्टिकल्स के बीच स्पेस मिनिमम है, और
इनके बीच में जो मूवमेंट है, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, देखो यहां पर इन दो बॉल्स के बीच में एक लाइन बनी हुई है, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ये पार्टिकल्स बहुत कम मूव कर रहे हैं, मिनिमम मूवमेंट, इसे हम बोलेंगे वाइब्रेशन। तो रिमेंबर, सॉलिड के पार्टिकल्स सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, मतलब वो अपने जगह पे कभी भी वो अपने जगह से हिल नहीं सकते, अपने जगह से उठेंगे नहीं, लेकिन अपने जगह पर हिलेंगे, वाइब्रेट कर सकते हैं। कैसे? इसका बेस्ट एग्जांपल, जब स्कूल चालू रहेगी और टीचर आपके पास खड़ा है, कौन खड़ा है आपके पास में? टीचर आपके पास खड़ा है, सर आपके पास खड़े हैं, क्लासरूम में आप लोग बैठे हो, तो क्लासरूम में आप कैसे सिस्टमैटिक वे से बैठोगे? बेंच रहेंगे, इसी वजह से ना, बेंच है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो लाइन से आप लोग लाइन से बैठे हैं, बच्चे लाइन से बैठे हैं, कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा। व्हाई दे आर सिटिंग इन अ प्रॉपर लाइन? कैसे पार्टिकल्स लाइन से बैठे, अपने अपने जगह पर बैठे, इसी का मतलब क्या होगा बच्चों, कि सॉलिड के पार्टिकल्स अपने अपने जगह पर बैठते हैं। लेकिन आपको थोड़ी बहुत बात करनी हो तो अपने बेंच में अपने आजू बाजू वाले से तो आप लोग बात कर लेते हो, इतना आपको पॉसिबल होता है। तो सॉलिड स्टेट को इमेजिन करना है कि आप लोग क्लास में बैठे हो, बेंचेस के वजह से और टीचर के वजह से आप लोग अपने अपने जगह पे, अगर टीचर नहीं रहेगा तो भी आप मूवमेंट करते हो। बात समझ में आ गई? सो दिस इज द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेट पर, जिसका नाम है लिक्विड स्टेट। अब बच्चों, लिक्विड स्टेट क्या होगा? जैसे कि सॉलिड में हमने बोला डेफिनेट शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, तो बच्चों लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता, तो नो डेफिनेट शेप, लेकिन उसका शेप नहीं होता, क्या करता है वो, कोई भी लिक्विड टेक द शेप ऑफ कंटेनर, मतलब किसी भी कंटेनर का वो शेप लेगा। अगर आप पानी को ग्लास में ले लो, पानी को मैं यहाँ पे ग्लास में ले लेता हूं, क्या होगा, ग्लास का शेप आ जाएगा। उसको मैं मटके में ले लूं तो मटके का शेप आ जाएगा। अगर मैं इसको इसका किसी का भी शेप ले लो, किसी के भी शेप में वो आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द क्लियर पॉइंट। बट द नेक्स्ट पार्ट इज इट इज हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम। तो बच्चों, फिक्स्ड वॉल्यूम का लोचा कैसे आ रहा है? उसका शेप फिक्स नहीं है, वॉल्यूम कैसे फिक्स है? तो मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल कि जब आप लोग घर से 1 लीटर बोतल पानी लेके आते हैं, लाया 1 लीटर पानी, वॉल्यूम उसका कितना है बच्चों, 1 लीटर। अब मैं जब उसको, मैं बोलूंगा कि मेरे पास बड़ा कैन है, 25 लीटर 20 लीटर का जो हमारा आरओ का कैन होता है, वो कैन है बेटा, वो आपकी बोतल से पानी इसमें डाल दो तो जरा, तो आप अपनी बोतल से उस कैन में पानी डालोगे तो क्या वो कैन पूरा भर जाएगा? क्या वो पूरा भर जाएगा? नहीं भरेगा। 20 लीटर के कैन में पानी भरने के लिए मुझे ऐसी 1-1 लीटर की कितनी बोतल लगेगी बच्चों, जल्दी से बताएंगे मुझे कितनी बोतल लगेगी 1-20 लीटर के कैन में पानी भरने के लिए? मेरे पास 1 लीटर की बोतल है, सबके पास 1-1 लीटर की बोतल है, तो मैं 20 बच्चों की बोतल ले लूंगा और उसमें पानी डालूंगा। तो इसी का मतलब, 1 लीटर पानी पहले था, बाद में भी 1 लीटर हुआ। नहीं समझ में आया? इसका उल्टा बता, अगर मैंने 1 बोतल में पानी ले लिया, ठीक है, और इससे मैं अपने घर में ड्रम भरना चाहता हूं पानी का, तो मैं इस बोतल को ड्रम में पानी डालूंगा, तो क्या ड्रम का पानी पूरा भर जाएगा? नहीं भरेगा। जितना 1 लीटर की बोतल से पानी डालोगे तो ड्रम में 1 लीटर ही पानी जाएगा, 2 लीटर भरोगे तो 2 लीटर जाएगा। इसका मतलब कि लिक्विड का वॉल्यूम हमेशा फिक्स होता है। नहीं तो अगर लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता तो बच्चों हम क्या करते, कि हम एक अच्छी कंपनी, मतलब बिस्लरी, फिनले, कुछ ना कुछ अच्छी कंपनी का पानी खरीद लेते और हम क्या करते, उसी पानी को बड़े से टैंकर में डालते जाते और वो पानी बेचते ना बच्चों। अगर ऐसा पानी बढ़ते जाता तो बेचते नहीं क्या, तो हमारा तो आरओ की कंपनी बन जाती, लेकिन वैसा नहीं होता, इसीलिए तो हम नहीं बेच पाते ना, नहीं तो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बात समझ में आ रही है? यहां तक की पॉइंट क्लियर है? मतलब शेप फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर स्पेस की बात करते हैं, पार्टिकल्स की स्पेस की बात करते हैं, तो इंटरमीडिएट, तो बच्चों इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच का। तो लिक्विड सॉलिड और गैस के बीच में आएगा, रिमेंबर लिक्विड जो रहेगा, लिक्विड सॉलिड और गैस के बीच में नाच रहा है, इसलिए इसको हम इंटरमीडिएट बोलेंगे। हमेशा उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी वो लगभग सॉलिड और गैस के बीच में आएगी, तो जो स्पेसेस है पार्टिकल्स के बीच में वो इंटरमीडिएट आएंगे। अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की भी बात करूं तो वो भी इंटरमीडिएट आने वाली है, मतलब वो बीच का बंदर बनने वाला है, मतलब लिक्विड बेचारा बीच का बंदर बन के रह गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मूवमेंट की, तो अब मुझे बताओ बच्चों,
मूवमेंट का एग्जाम्पल कैसे बताएंगे? देखो, अगर मैंने इस पेन को जमीन में ऐसा रख दिया, क्या ये पेन अपने आप चलने लगेगा? अगर ये पेन चलने लगेगा तो आप पढ़ाई करना बंद कर दोगे, मम्मी को बोलोगे मम्मी मेरे पेन में भूत है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? लेकिन सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट कभी चलता नहीं है, पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते। लेकिन इसी की जगह मैं जमीन पे पानी डाल दूं तो पानी अपने आप आगे 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 जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, क्योंकि उसके पार्टिकल धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं। इंटरमीडिएट मूवमेंट मतलब सॉलिड से ज्यादा मूवमेंट रहेगी। देखो बच्चों, इंटरमीडिएट वन, इंटरमीडिएट टू, इंटरमीडिएट थ्री, हर जगह इंटरमीडिएट आते जा रहा है। उसके बाद लेस कॉम्प्रेसिबल एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड। मतलब लेस कॉम्प्रेसिबल मतलब बच्चों, अब सॉलिड में हमने इनकॉम्प्रेसिबल मतलब हम उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टिकल्स में सॉलिड में स्पेस नहीं होता, लेकिन लिक्विड में हमने क्या बोला, थोड़ा स्पेस होता है। तो अगर हम उसको प्रेशर देके पार्टिकल्स को पास में लाएंगे, हम देखेंगे लेक्चर में, तो वो पार्टिकल्स पास में आ सकते हैं और रेट ऑफ डिफ्यूजन मोर रहेगा एज कम्पेयर टू सॉलिड। मतलब डिफ्यूजन का रेट, डिफ्यूजन का मतलब स्प्रेड होना बच्चों। जैसे मैंने आपको बताया नमक को पानी में डालेंगे तो नमक अपने आप पानी में फैलेगा नहीं, लेकिन अगर मैं नींबू पानी को, ठंडे ठंडे नींबू पानी को पानी में डाल दूंगा, लेमन को निचोड़ दूंगा, तो नींबू का जो जूस है, लेमन जो जूस रहेगा रियल वाला, वो पानी में अपने आप स्प्रेड हो जाएगा, हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो ये पॉइंट हुए हमारे वाटर के, और इसको हम समझ लेते हैं इमेज से। तो सबसे पहले पार्टिकल्स आप देख सकते हो कि यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा ज्यादा स्पेस है सॉलिड के कंपैरिजन में। दूसरा, ये फ्लो हो सकता है, इसलिए इसको हम फ्लूइड्स भी बोलते हैं। पार्टिकल्स की मूवमेंट भी ज्यादा है। मूवमेंट ज्यादा क्यों रहेगी बच्चों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। इसी का एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको कि आप जब पिकनिक पे जाते हो तब क्या होता है, तब कोई बेंचेस नहीं होते, लेकिन एक मैट जरूर होती है। देखो, आप देख सकते हैं कि यहां पर मैट पे बैठे हैं बच्चे, ऐसे ही मैट में बैठेंगे। इसका मतलब पार्टिकल एक जगह पे रहेंगे, ये हम लिक्विड का डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन देखो, पहला मैंने बताया था सॉलिड आपका क्लासरूम और टीचर भी प्रेजेंट है, तो आप बेंचेस की वजह से आप उन बेंच पे ही बैठे थे और बेंच पे वाइब्रेट कर रहे थे। लेकिन पिकनिक है, पिकनिक में टीचर नहीं डांटेगा, लेकिन आप अपने मैट के, इस चादर के बाहर नहीं जा सकते ना बच्चों। चादर के बाहर जाएंगे तो जरूर पीटी टीचर मारेगा, है कि नहीं? तो चादर के बाहर नहीं जा सकते, इसका मतलब लिक्विड के जो पार्टिकल है वो अपने रीजन से बाहर नहीं जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ग्लास में पानी लिया, तो पानी के पार्टिकल्स ग्लास से बाहर नहीं उड़ते। ग्लास के बाहर उड़ते हैं? बिल्कुल नहीं उड़ते, वो अपने ग्लास में रहते हैं। वैसे ही पिकनिक में पार्टिकल्स भी, मतलब स्टूडेंट्स भी अपने मैट पे, मतलब चादर पे रहेंगे, लेकिन कोई सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं रहेगा। कोई ज्यादा क्लोज फ्रेंड होंगे तो वो अपना ग्रुप बना के बैठेंगे, कोई लाइन से बैठेगा, कोई खड़े रहेंगे, कुछ अलग अलग तरीके से, मतलब देयर आर डिफरेंट वेज। क्लासरूम में ऐसा नहीं होता, बेंच में बैठते आप लोग लाइन से, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स में इस तरीके की सिचुएशन होगी। क्लासरूम सिचुएशन, पिकनिक सिचुएशन, बात क्लियर? सॉलिड में क्या है क्लासरूम सिचुएशन, लिक्विड में पिकनिक सिचुएशन। अब चलते हैं हम लोग आगे हमारे प्यारे गैस के पास में, है ना? बेचारा गैस बदनाम है, क्या मौत तो यू ही बदनाम है, तकलीफ तो जिंदगी देती है, क्या बच्चों, है ना? सो अब हम बात करेंगे गैस के बारे में, जिसकी वजह से हमारी लाइफ चल रही है। सो गैसेस में सबसे पहला शेप, क्या गैस का शेप फिक्स होता है? अब हवा है, पूरे रूम भर फैली, रूम का शेप ले लेगी, मतलब नो डेफिनेट शेप आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे क्या आ जाएगा? नो डेफिनेट शेप। लिक्विड की तरह इनका शेप फिक्स नहीं होता और इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। अब वॉल्यूम कैसे फिक्स नहीं होता? सर सर आपने बोला लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, गैस का वॉल्यूम कैसे फिक्स नहीं होता? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आप क्या करो, एक छोटी बोतल ले लो, छोटी सी बोतल, उसमें आप थोड़ा सा डीओ स्प्रे कर दो और उसको बंद कर दो। कर दिया, अब क्या करो, इस बोतल को थोड़ी बड़े डब्बे में, बड़ा कंटेनर, उसमें खोल दो। तो क्या होगा, अब ये जो गैस के पार्टिकल आपने छोटी सी बोतल में रखे थे वो ओपन होके पूरे के पूरे डब्बे में फैल गए। इस डब्बे को रूम में ओपन कर दो, पूरे रूम में गैस के पार्टिकल स्प्रेड होंगे। मतलब कि पहले छोटे से कंटेनर में पार्टिकल्स थे, यहां पे गैस था, इसको मैंने बड़े डब्बे में लेके गया तो बड़े डब्बे में भी गैस आ गया, और इसको मैंने बाहर छोड़ दिया तो जितनी उसको जगह मिलती जाएगी उतना वो जगह कैप्चर करेगा। इसका मतलब गैस को कोई लिमिटेशन नहीं है, वो जितना उसको जगह मिलता है उतना फैलते जाएगा।
समझ रहा है? तो गैस इज नॉट हैविंग शेप, इट इज नॉट हैविंग फिक्स वॉल्यूम, दोनों के दोनों बिल्कुल नहीं है उसके, बट इट ऑक्यूपाई स्पेस ऑफ कंटेनर, मतलब वो स्पेस ऑफ कंटेनर, तो आप उसको जिस कंटेनर में रखेंगे वो पूरा का पूरा कंटेनर कैप्चर कर लेगा। जैसे बलून में रखेंगे पूरा बलून कैप्चर होगा, ऐसा नहीं कि बलून का आधा में एयर रहेगा आधे में नहीं रहेगा, ऐसा नहीं, जितना उसको जगह मिलेगा पूरा का पूरा वो कैप्चर कर लेगा। तो इट इज स्पेस ऑफ कंटेनर, इट एक्वायर होल स्पेस, पूरा का पूरा स्पेस एक्वायर कर लेता है। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करते हैं पार्टिकल्स के बीच में, तो पार्टिकल्स की जो स्पेस है, अब देखो वो बहुत दूर दूर जाएगा तभी तो उड़ रहा है ना, पास पास रहेंगे तो उड़ पाएंगे, तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस मैक्सिमम रहेगा। देखो सबसे मिनिमम क्या बोला, पार्टिकल्स स्पेस मिनिमम सॉलिड, इंटरमीडियम लिक्विड, और मिनिमम रहेगा गैस, गैस सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, सॉलिड में स्पेसेस मिनिमम रहेगा, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा, और गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा रहेगा, हम आगे देखेंगे कंपैरिजन भी, डोंट वरी। एंड अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं, तो बच्चों अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बहुत ज्यादा प्यार है दो लोगों में, क्या वो दूर दूर जाएंगे? नहीं जा सकते। अब हम बोल रहे हैं कि गैस के पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं, तो क्या उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है कि कम है? उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, उनके बीच में किसने तीसरे ने आग लगा दी तो जल्दी से दूर भाग जाते, लड़ाई कर लेते। तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मिनिमम, रिमेंबर गैस पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम रहेगा। देन अगर हम बात करें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, अब मूवमेंट तो आप देख ही सकते हो, मूवमेंट तो याद दिख ही रही है आप लोगों को, कैसा रहेगा? मैक्सिमम मूवमेंट रहेगा, मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स मिनिमम मूवमेंट, लिक्विड के इंटरमीडिएट, गैस के मैक्सिमम। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी की, तो कॉम्प्रेसिबल हाईली कॉम्प्रेसिबल, व्हाई हाईली कॉम्प्रेसिबल? गैस के पार्टिकल बेचारे दूर दूर रहते हैं, उनको हम दबा दबा के पास पास ला सकते हैं, तो हाईली कॉम्प्रेसिबल होता है, इसलिए हमारी एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस बोलो या जितने भी हमारे गैस सिलेंडर्स होते हैं वो सभी हम कॉम्प्रेस करके यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब देखो गैस तो बहुत ही फास्ट मूव करता है, इधर उधर भाग जाता है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन मैक्सिमम रहेगा इसमें, मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड, मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड से और लिक्विड से ज्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन रहेगा। क्लियर है? इज इट क्लियर अप टिल दिस पॉइंट? देन इसी चीज को हम समझते हैं हमारे जनरल एग्जाम्पल से, जैसा मैंने सॉलिड का एग्जाम्पल बताया क्लासरूम, लिक्विड का एग्जाम्पल बताया पिकनिक, वैसे ही मैं गैस का एग्जाम्पल आप लोगों को बताना चाहूंगा कि गैस का एग्जाम्पल है हमारा प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में बच्चों ये देखो, कुछ बच्चे क्या हो रहा है प्लेग्राउंड में, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, इस तरफ खेल रहे हैं, भागदौड़ मचा रहे, एक दूसरे को मार रहे हैं, कुछ दूर ये डंडा लेके आ रहे हैं एक दूसरे को मारने के लिए, मतलब कोई लिमिट नहीं। दूसरा ये देखो, अब मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ, गैस दिख रहा है यहाँ पे अच्छे से, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड में अब क्लासरूम में आपकी एनर्जी कम रहती है ज्यादा रहती है, बताओ मुझे, सबसे कम रहती है, सबसे आपको लगता है क्लास जल्दी खत्म हो जाए तो क्लासरूम सबसे कम एनर्जी, पिकनिक में उससे ज्यादा एनर्जी, और गेम्स पीरियड में सबसे ज्यादा एनर्जी रहती कि नहीं रहती? इसी का मतलब सॉलिड की एनर्जी, सॉलिड के पार्टिकल्स की एनर्जी सबसे कम रहती है, लिक्विड के पार्टिकल्स की एनर्जी उससे ज्यादा, और गैस के पार्टिकल्स की उससे भी ज्यादा रहती है। अब स्पेस की बात करते हैं, पार्टिकल्स की स्पेस की, क्लासरूम में आप बैठे हो तो एक बच्चा उस कॉर्नर में, इस बच्चा एक बच्चा इस कॉर्नर में, ऐसे बैठते नहीं, लाइन से बेंच में बैठते, स्पेस नहीं रहता है बच्चों के बीच में, बात समझ में आ रही? लेकिन पिकनिक में कैसे बैठते, कोई ग्रुप वहां बैठेगा, कोई ग्रुप यहां बैठेगा, कोई टीचर के साथ बैठेगा, कोई किसी और के साथ बैठेगा, सब अपने अपने तरीके से बैठते हैं, दैट इज द लिक्विड। बट गैस में क्या होता है, बच्चे इधर पूरा ग्राउंड, जितना बड़ा ग्राउंड होगा कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा रहेगा। दूसरा मतलब पहला पॉइंट हुआ मूवमेंट के बारे में बोल दी, स्पेस के भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता दिया, एनर्जी के बारे में बता दिया। एंड अगर इसमें मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो स्पेसेस के बारे में इंपॉर्टेंट है कि सॉलिड का स्पेस सबसे ज्यादा, सॉरी सॉलिड का स्पेस सबसे कम, लिक्विड का उससे कम, लिक्विड का उससे ज्यादा, और गैस का सबसे ज्यादा, बात क्लियर? स्पेस इज क्लियर है। पार्टिकल्स की मूवमेंट की बात करेंगे तो सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में उससे ज्यादा, गैस में उससे भी ज्यादा। अगर हम यहां पर किसके बारे में, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात में बात करेंगे तो सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, और गैस में सबसे कम। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर चेंज इन स्टेट हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, आज के लेक्चर को हम यही पे स्टॉप करते हैं। आज के लेक्चर में हम बच्चों हमने
अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर देखा कि मैटर को हम फिजिकल कंडीशन पे सॉलिड लिक्विड एंड गैस में क्लासिफाई करते हैं. सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होती है और गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया. तो बच्चों अगर आपको इनमें से किसी भी पॉइंट पर डिफिकल्टी हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बच्चों. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ स्टेट विद टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो आप उसको पढ़ के आना, जो भी होमवर्क है उसको कंप्लीट कर लेना. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.